सरगुजिश ए कमसिन सिपाही सलार की, जो एक मजलूम बहन की पुकार पर हिंदू राजाओं पर चढ़ दो। तारीख इस्लाम के इस जर्नैल ने बहादुरी, शुजात और कुवत ईमानी से ना सिर्फ सिंध को फतह किया बल्कि अपने हुस्न सलूक से वादी सिंध को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। तौहीद पे जान निशावर करने वाले इस सिपाही की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हिजाज बिन यूसुफ का किरदार यही था कि वो उस वक्त के खलीफा की तरह इक्तदार पसंद था, लेकिन कौम के दुश्मन को वो दुश्मन समझता था। उसने ये इजहार नुमाया तौर पर कर दिया था कि वो खुद एक ताकत बनना चाहता है, लेकिन राजा दाहिद ने जब मुसलमान मुसाफिरों को लूट कर कैद में डाल दिया था, उनकी रिहाई के लिए हिजाज इंतकाम के जज्बे से पागल हुआ जा रहा था। लेकिन उसे शक भी हो जाता था कि फलां का सर उसके इक्तदार के खिलाफ उठ रहा है, तो वो सर हिजाज की तलवार से कट जाता था। इब्ने तैफा हिजाज ने सालार बदील से कहा, अब तुम अमान वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सिर्फ 300 सिपाही दे रहा हूँ। मैंने मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून को पैगाम भेज दिया है कि वो तुम्हें 3000 सवार देगा, तुम सीधे मकरान उसके पास पहुँच जाओ, वो तुम्हें आगे की बातें भी बता देगा। मैंने जो जासूस वहाँ भेजे हुए हैं उनका रब्ता मोहम्मद बिन हारून के साथ है। राजा ताहिर ने अपने वजीर बदहीमन को बुलाया, क्या मेरा दानिशमंद वजीर आने वाले वक़्त की खबर दे सकता है? ताहिर ने इससे पूछा, क्या अरब से एक और आंधी आएगी? आंधियाँ तो आया ही करती हैं महाराज, बदहीमन ने कहा, कभी यूरोप से। देखना यह है कि हम आंधी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं ये बता सकता हूँ कि अरब से आंधी जरूर आएगी, मुसलमान इतनी जल्दी शिकस्त नहीं माना करते, महाराज को चौकस रहना चाहिए। रमल का राजा हम पर चढ़ दौड़ा था तो तुमने मशुरा दिया था कि अरब के इन मुसलमानों को मैदान में उतारो, जिन्हें मैंने मकरान में अपनी पनाह में रखा हुआ है। राजा दाहिर ने कहा, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तो इन अरबों ने ही मेरे दुश्मन को भगा दिया। मैंने अब फिर इन्हें कहा कि अरब की फौज हमला करे तो वो मेरी मदद करें, लेकिन इनके सरदार ने इनकार कर दिया है। वो कहता है कि अरब के मुसाफिरों को रिहा करो, और उसने ये भी कहा है कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। मुझे बताओ कि मैं इन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करूं? इन्हें एहसान फरामोशी का मजा चखा दूं? नहीं महाराज, वजीर बदहीमन ने कहा, दुश्मनों की तादाद में इजाफा न करें, इन्हें दुश्मन बनाया तो ये पीठ पर वार करेंगे, इनके साथ दोस्ती गहरी कर लें और इनके दरमियान अपने जासूस छोड़ दें, मालूम करें कि इनके इरादे क्या हैं, इन्हें दोस्त बनाएं लेकिन इन पर भरोसा न करें। मुसलमान को हमेशा अपना दुश्मन समझें, इन्हें वहीं महदूद रहने दें। अगर इन्हें हर तरफ घूमने फिरने की इजाज़त दी गई तो ये अपने मजहब की तबलीग शुरू कर देंगे। ये वो खतरा है जो महाराज के साए में परवरिश पा रहा है, और ये वो अंधेरा है जो महाराज के चिराग के नीचे नाच रहा है। अगर इन्होंने अरब के हमला आवरों की दरपर्दा भी मदद की तो मैं इन सबको कत्ल करा दूंगा, राजा दाहिद ने कहा। सिंध में और सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मजहब रहेगा और ये मजहब हमारा होगा, हिंदू मत। क्या महाराज ने ये कभी नहीं सोचा कि इन कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो क्या होगा? नहीं बदहीमन, राजा दाहिर ने कहा, मैंने ये कभी नहीं सोचा, इन्हें रिहा कर दिया तो अरब के हाकिम मुझे कमजोर समझेंगे। दूसरी वजह यह है कि मैं अरब के एलची को जवाब दे चुका हूँ कि कैदी मेरे पास नहीं, अब मैं किस मुँह से कह दूँ कि वो मेरे पास है? इन्हें मैं ऐसा नहीं कह सकता, अब इन कैदियों की बाकी उम्र कैदखाने में ही गुजरेगी। तमाम मोरहों ने लिखा है कि जहाज़ों के मुसाफिर अरोड़ के कैदखाने में बंद किए गए थे। इस कैदखाने के हाकिम का नाम कुबला था, तारीख में ये पता नहीं चलता कि उसका मजहब क्या था, बहरहाल वो मुसलमान नहीं था। आज इस कैदखाने का कोई निशान नहीं मिलता। राजा दाहिर के जमाने में ये एक मशहूर कैदखाना था, इसकी अंदरूनी फिजा पर हिब्बत तारी रहती थी। इसमें जब किसी कैदी को दाखिल किया जाता तो वो इंसानियत से हारिज हो जाता था, उसके साथ गैर इंसानी सलूक होता था। इस कैदखाने का एक तहखाना था जिसमें छोटी बड़ी कोठड़ियाँ थीं, जहाज़ों के मुसाफिरों को इन कोठड़ियों में रखा गया था। इनमें पूरे पूरे कुंबे भी थे, हर कुंबे के अफराद को एक एक कोठड़ी दी गई थी। इनकी कैद की पहली रात थी, आधी रात से कुछ देर पहले कैदखाने का हाकम इन्हें देखने के लिए आया। जब इन कैदियों को यहाँ लाया गया था तो कुबला ने इन्हें देखा था, इनमें जवान और खूबसूरत औरतें भी थीं।
कुबला जिसे दो मोरहों ने कुबला लिखा है, इन औरतों के ख्याल से ही रात को कैदखाने के दौरे पर आया था। हर कैदी को वो अपना जाती गुलाम समझता था। कैदी औरतें उसकी मलकियत होती थी। ये कैदी जो अरब के समंदरी मुसाफिर थे, मुसलमान होने की वजह से कुबला से अच्छे सलूक की तवक्का रख ही नहीं सकते थे। वो जब उस जगह पहुंचा जहां से तहखाने की सीढ़ियां उतरती थीं, तो उसे हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे बहुत से आदमी मिलकर गुनगुना रहे हों। कुबला ऊपर ही रुक गया, वो सुनने लगा। इस गूंज का तरन्नुम उसे अच्छा लग रहा था। कैद खाने में वो बेड़ियों और जंजीरों की जंकार सुना करता था, या दुर्रों और कोड़ों की जनाटेदार आवाजें उसके कानों में पड़ती थीं, और उन कैदियों की चीहें उसे सुनाई दिया करती थीं, जिनके बरहना जिस्मों पर दर्रे और कोड़े बरसते थे। जिस जहन्नुम में करबनाक आहोज जारी रहती थी, वहाँ तरन्नुम ख्वाबों की आवाज लगता था। कुबला के साथ कैद खाने के चंद एक मुलाजिम थे, उसने उनकी तरफ देखा। ये आज वाले नए कैदी हैं, उसे कैद खाने के एक अफसर ने बताया, जिस वक्त से आए हैं इबादत में मसरूफ हैं। कुबला आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरा। तहखाने में ये गूंज उसे और ज्यादा अच्छी लगी। वो कोठड़ियों के सामने से गुजरने लगा। किसी कोठड़ी में दो कैदी थे, किसी में तीन या चार, और किसी कोठड़ी में पूरा कुंबा बंद था। सब किबला रूह होकर दुजानू बैठे थे और बैक आवाज कलमा तैयबा का विरद बुलंद आवाज में कर रहे थे। इनमें से एक ने भी दरवाजे की तरफ ना देखा कि कौन गुजर रहा है। कुबला आखिरी कोठड़ी तक चला गया। उसने एक संतरी के कान में कुछ कहा, तमाम कैदी खामोश हो जाएं। संतरी ने ऐलान किया, हकम कुछ कहना चाहते हैं। कैदी खामोश हो गए और कोठड़ियों के दरवाजों की सलाहों के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने लान तान का ऐसा शोर बपा कर दिया कि कुछ पता नहीं चलता था कि कौन क्या कह रहा है। दरवाजों को ताले लगे हुए थे। संतरियों ने सलाहों पर कोड़े और डंडे मारने शुरू कर दिए। एक हड़पोंग थी जिस पर काबू पाना मुहाल नजर आता था। कोई एक आदमी बात करो, कुबला ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इधर आ, एक कूड़े अरब ने कहा, कौन है तू, मेरे साथ बात कर। कुबला उस कोठड़ी के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तू इस कैद खाने का हाकिम है, बूढ़े ने गुस्से से लरजती हुई आवाज में पूछा। किस जुर्म में हमें कैद में डाला है। मैं किसी को कैद में नहीं डाल सकता, कुबला ने कहा, और मैं किसी को अपनी मर्जी से यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। मैं हुक्म का पाबंद हूँ, मुझे बुरा भला मत कहो। मैं तुम सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम सब मिलकर क्या गा रहे थे, ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। क्या इस आवाज ने तेरे दिल को मोम नहीं किया, बूढ़े ने पूछा। मैंने कुछ असर जरूर महसूस किया है, कुबला ने जवाब दिया। मुझे इस गीत के अल्फाज बताओ। ये बूढ़ा अरब मालाबार में बहुत अरसा रहा था और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में इसकी तिजारत फैली हुई थी, इसलिए यहाँ की जुबान बोल सकता था। ये गीत नहीं, बूढ़े ने कहा, ये हमारा कलमा है, और इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादतों के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसके अलावा हम कुरान की मुख्तलिफ आयात का भी विर्द इसी तरह आवाज मिलाकर करते हैं। इससे तुम्हें क्या हासिल होगा, कुबला ने पूछा। सुकून कलब, अल्लाह की खुशनुदी, बूढ़े ने कहा, और इस जहन्नम से रिहाई मिलेगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा, किबला ने पूछा। अगर हम गुनहगार होते तो इस कैद को सजा समझकर कबूल कर लेते, बूढ़े ने कहा। फिर हम अल्लाह से कैद से रिहाई ना मांगते, गुनाहों की बख्शिश मांगते। हमें बेगुनाह पकड़ा गया है, हमारा हलाल माल तोड़ा गया है। अल्लाह हमारी मदद करे। तुमसे और तुम्हारे राजा से हम कुछ नहीं मांगते। राजा की किस्मत में तबाही लिख दी गई है। क्या तुम उसकी तबाही की दुआएं मांगते हो, कुबला ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, हम किसी के लिए बुरी दुआएं नहीं मांगा करते। सजा और जजा अल्लाह के इख्तियार में है। तू नेकी करेगा तो समर पाएगा, किसी पर जुल्म करेगा तो तुझ पर जुल्म किया जाएगा। बूढ़े अरब ने ऐसे अंदाज से कैद खाने के हाकम के साथ बातें की थी कि वो जिस बुरे इरादे से इन कैदियों को देखने आया था, वो इरादा उसके दिल से निकल गया। वो राजा दाहिर के हुक्म के बगैर कैदियों को रिहा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो असर कबूल किया था वो कैदियों के हक में जाता था। तारीख में कुबला के मुतल्लिक लिखा है कि वो दानिश्वर था, साहिब इल्म और अहले कलम था। हैरत है कि ऐसे शख्स को कैद खाने का दरोगा क्यों मुकर्रर किया गया था। कैद खाने के दारोगे अमूमन तबन कसाई होते थे, जो बेबस और मजबूर इंसानों की हड्डियां तोड़कर दिली खुशी हासिल करते थे।